हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद एन अनदर पोएम जो कि है अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, विच वाज रिटन बाय डेरेक वॉलकॉट, जो कि 1962 में पब्लिश हुई थी। ये डेरेक वॉलकॉट की एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी जो है इन अ ग्रीन नाइट, ये उसमें पब्लिश हुई थी। बेसिकली डेरेक वॉलकॉट जो है उनका बर्थ सेंट ल्यूसिया के आइलैंड पे 1930 में हुआ था। उनकी मदर जो थी वो एक टीचर थी, उनको भी लिटरेचर के प्रति बहुत ही प्यार था। सो स्टार्ट करते हैं हम इस पोएम की समरी को। ये पोएम जो है इस नोट से शुरू होती है कि माउमाउ अपराइजिंग नाम की एक कम्युनिटी थी और वहाँ की एक ट्राइब थी किकियू ट्राइब। 1950s में किकियू ट्राइब और यूरोपियन सेटलर्स जो कि ये किकियू ट्राइब्स के लैंड पे आके, इनके मदरलैंड पे आके उन्होंने उनका मदरलैंड उनसे छीना, तो उनके बीच में वहाँ पे लड़ाई शुरू होगी। तो जैसे कि यूरोपियंस आके, ये जो ब्रिटिशर्स आके इनके लैंड पे, मतलब एक तरह से इनके मदरलैंड को उन्होंने छीन लिया उनसे, तो वो जो है वो आक्रोश में आ गए, वो इसके विरोध में खड़े हुए। इनके बीच में बहुत ही भयानक लड़ाई ही शुरू हो गई और ये लड़ाई ऐसी थी कि इससे जो पूरी कंट्री है उसका, मतलब एक टाइप का नक्शा ही पूरा बदल गया। हर तरफ एक बदलाव की लहर सी छा गई। जो कंट्री पहले इतनी खुशहाल और हरी भरी होती थी, वो कंट्री अब पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, पूरी तहस नहस हो गई थी, एक तरह से बर्बाद सी हो गई थी। वहाँ पे इतना खून खराबा फैला कि ये जो किकियू ट्राइब के लोग ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये अंग्रेज़ों के खूनों के ऊपर मक्खियों की तरह जो है वो बिन बिना रहे हैं और ब्रिटिशर्स के खून के प्यासे बन चुके हैं। वो लैंडस्केप, वो जगह जो एक टाइम पे बहुत ही सुंदर हुआ करती थी, वो पूरी डेड बॉडीज़ के साथ कवर हो चुकी थी। तो यहाँ पे पोइट जो है वो अपनी बात करते हैं कि जब मैं उस अफ्रीका की तरफ, मतलब उस जगह की तरफ देखता हूँ, तो मेरे को ना ही ब्रिटिशर्स के प्रति और ना ही वो जो किकियू ट्राइब थी, उन दोनों में से किसी के प्रति भी सिंपथी नहीं आ रही थी, क्योंकि वो उन दोनों को हत्यारे समझते थे, क्योंकि लड़ाई जो थी वो उनकी तरफ से भी थी और ब्रिटिशर्स की तरफ से भी थी। तो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि मेरे को उन दोनों के तरफ, मतलब दोनों में से किसी के लिए भी सिंपथी नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे को वो दोनों मर्डरर्स ही लग रहे थे। वो उन दोनों दल, वो जो दोनों ग्रुप्स थे, वो एक तरह से दोनों ही मर्डरर थे, क्योंकि उस सुंदर से लैंड को पूरे डेड बॉडी से कवर करने के पीछे उन दोनों का ही हाथ था। बड़े सारे रीजन्स दिए जाने लगे कि क्यों ट्राइब तरफ से, कि उन्होंने क्यों ऐसे किया। वो अपने रीजंस को, मतलब जो उन्होंने डेथ्स की थी लोगों को मारा था, वो उसको जस्टिफाई करने का रीज़न दे रहे थे। पर इन सब में उन छोटे बच्चों की क्या गलती थी जो कि अंग्रेज़ों के बच्चे थे, उनको इन सब से क्या लेना देना था जो उनकी हत्या की गई, जिनको उनके सिर्फ कलर की वजह से उनको इस तरह से इतने बुरे तरीके से उनका मर्डर कर दिया गया। इसके बाद जो है वो पॉइंट फिर से अमेरिकन वाइल्ड लाइफ की तरफ जो है वो वापस मुड़ते हैं। वो बोलते हैं जैसे कि इबाइसिस, जो कि बड़ी बड़ी लंबे लंबे चोंचों वाले जो एक तरह के एक जानवर से, एक बर्ड से होते थे, और बाकी जो बीस्ट्स जो थे जिन्होंने इस रूल यहाँ पे रूल किया है, वो बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ ऑफ एवोल्यूशन जो है यहाँ पे जानवर जो हैं वो किस तरह से सर्वाइव कर पाए हैं कि उनको, मतलब जिनकी जितनी ज़रूरत होती थी वो उतना ही शिकार करते थे, जिनसे उनको खाना मिल, वो उतना ही शिकार करते थे जिनसे उनके खाने की जो है वो पूर्ति हो जाए, इसी तरह से वो जीवित रह सके। अगर वो इंसानों की तरह मतलब मारने लगते तो इस तरह से वो एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाते सभी। और यहाँ पे पॉइंट बताता है कि वो जो थे शिकार करते थे अपने खाने के लिए, पर ये जो इंसान है वो शिकार करने लगा, जानवरों को मारने लगा, उसके बाद अपना विक्ट्री डांस करने लगा, सेलिब्रेट करने लगा उन बेजुबान जानवरों के ऊपर सुपीरियरिटी दिखाने के लिए। मतलब वो खुद को, इंसान खुद को मानने लगे कि हम डिसाइड करेंगे, हम डिवाइन हैं, हम डिसाइड करेंगे कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं। वो जो नेटिव लोग थे वो सोच रहे थे कि वो वाइट लोगों को मार के वो एक तरह की बहादुरी दिखा रहे हैं। और एंड में पॉइंट जो ट्राइब के लोग ही नहीं मार रहे ब्रिटिशर्स को, पर्सनली उनको बड़े पर्सनली इन्वॉल्व है। वो बोलता है वो दोनों के साथ, उन दोनों ग्रुप्स के साथ उसका रिश्ता है, वो डिवाइडेड है इस चीज़ से, क्योंकि उनका इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी प्यार है, क्योंकि उसी लैंग्वेज के साथ वो जो है उन खुद को पोएटिकली एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी साइड उनके जो हैं खून के रिश्ते हैं अफ्रीकन लोगों के साथ, जिनको ये जो नेटिव लोग थे ओप्रेस कर रहे थे, इन पे जुल्म कर रहे थे।
तो उनकी ये जो मिक्स्ड हेरिटेज थी उनकी वजह से उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था कि वो दोनों में से किसकी साइड लें। वो बोल रहे हैं कि उनको नहीं समझ आ रही कि वो किसका सपोर्ट करें और किसको अपोज करें। सो लास्ट में हमें एज अ रीडर ये फीलिंग आती है कि ना वो अफ्रीका को छोड़ सकते हैं और ना ही वो ब्रिटेन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके दोनों के साथ ही इक्वली रिश्ते हैं। सो हम इस समरी को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको ये अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको इस चीज़ के नोट्स चाहिए, इस पोएम के नोट्स चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। हम आपके लिए इसी तरह की और जो है वो पोएम्स स्टोरीज की एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। Thank you.